हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश या भौतिक विशेषताएं। जैसे राजस्थान का भौतिक प्रदेश या भौतिक विशेषताएं है, वैसे ये टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश या भौतिक विशेषताएं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके शायद 5 या 6 पार्ट में बने। ये भारत को जो है मुख्यतः 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है हिमालय पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, पश्चिमी मरुस्थल और द्वीप समूह। फिर आएगा भारत का भूस्वरूप या उच्चावच, जिसे 4 भागों में बांटा जाता है। पर्वत 11%, पठार 28%, मैदान जो है 42% है और पहाड़ियां जो है 18%। आज हम केवल हिमालय के भाग को लेंगे। इसमें सबसे पहले हिमालय का परिचय आएगा, फिर हिमालय की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख मत आएंगे, फिर उसके बाद आएगा हिमालय के कितने भाग हैं। तो हिमालय के 5 भाग हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वी हिमालय। फिर आएगा महान हिमालय के बारे में, फिर आएगा लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, फिर इसके बाद आएगा शिवालिक हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय के बाद आएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आएगा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, फिर इसके बाद आएगा नदियों के अनुसार हिमालय के 4 भाग हैं। नदियों के अनुसार हिमालय के 4 भाग हैं, पंजाब हिमालय, फिर पंजाब हिमालय के बाद आएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद आएगा नेपाल हिमालय, फिर आएगा अपने अंतिम असम हिमालय। तो आज का हमारा भाग केवल है हिमालय का, जो आज हिमालय के बारे में पढ़ेंगे अपन। भारत को जो है मुख्यतः 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, हिमालय पर्वतमाला में, मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, पश्चिमी मरुस्थल और द्वीप समूह। फिर आता है भारत का भूस्वरूप या उच्चावच की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। पर्वत है भारत में 11%, पठार है 28%, मैदान 42% और पहाड़ियां हैं 18%। सबसे पहले आता है हिमालय। हिमालय जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.70% भूभाग में फैला हुआ है। हिमालय जो है भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.70% भूभाग में फैला हुआ है और कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है हिमालय। हिमालय जो है वो लगभग 22 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है। और हिमालय का विस्तार किस भाग में और कौन सी आकृति में है, तो भारत में हिमालय का विस्तार जो है पश्चिमी पूर्वी भाग में धनुषाकार आकृति में है। भारत में हिमालय का विस्तार पश्चिमी पूर्वी भाग में धनुषाकार आकृति में है। हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र नदी के यहां तक खत्म होता है। तो हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। और हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर हिमालय की कुल लंबाई है और औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। कुल लंबाई तो है हिमालय की 2400 किलोमीटर, जबकि औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। हिमालय का निर्माण किस कल्प के और कौन से काल में हुआ था, हिमालय का निर्माण जो है वो केन्योजोइक कल्प के टर्शरी काल में हुआ था, केन्योजोइक कल्प के टर्शरी काल में हुआ था। हिमालय जो है ये विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है, हिमालय विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है। सबसे प्राचीन विश्व की पर्वतमाला अरावली, जबकि विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय। अब आते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति के कौन से मत माने हैं, जिसमें पहले आते हैं कोबर महोदय। कोबर ने कहा है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर या भूसन्नति से हुई थी। कोबर का मत क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर या भूसन्नति से हुई। फिर आते हैं डीएन वाडिया, ये कहते हैं कि धरातीले धक्के से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। धरातीले धक्के या ज्वालामुखी विस्फोट से इसकी उत्पत्ति हुई हिमालय की, डीएन वाडिया ने कहा है धरातीले धक्के से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। सबसे प्रमुख मत आता है हेरी और हेस का। हेरी हेंस ने कहा है प्लेट विवर्तनिकी से हिमालय की उत्पत्ति हुई, अर्थात प्लेटों के खिसकाव से हिमालय की उत्पत्ति हुई। जो प्लेटें होती हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अटलांटिक महासागरीय प्लेट, उन प्लेटों के खिसकाव से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत भी किसका है, हेरी हेंस के प्लेट विवर्तनिकी मत को माना जाता है। तो वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत कौन सा है, प्लेट विवर्तनिकी मत। फिर आते हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणी में एशिया महाद्वीप की 7300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 94 पर्वत चोटियां हैं, जिसमें से 92 पर्वत चोटियां स्थित हैं। हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणी में
एशिया महाद्वीप की 7300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 94 पर्वत चोटियों में से 92 पर्वत चोटियां स्थित हैं। इसका मतलब है कि एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 94 पर्वत चोटियां स्थित हैं। इन 94 से 92 पर्वत चोटियां कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थित हैं? हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणियों में स्थित हैं। अब आते हैं हिमालय के भाग कितने हैं। हिमालय के 5 भाग हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वी हिमालय। सबसे पहले अपन देखते हैं महान हिमालय को। महान हिमालय की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। महान हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 4800 से 6000 मीटर। लंबाई तो है इसकी 2400, औसत ऊंचाई है 4800 से 6000 मीटर। महान हिमालय जो है ये नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत कहां पर है? जम्मू कश्मीर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। महान हिमालय नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर नामचा बरवा पर्वत, और ये नामचा बरवा पर्वत कहां पर विस्तृत है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। तो महान हिमालय का विस्तार कहां पर है? नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। महान हिमालय का निर्माण जो है ओलिगोसीन युग में हुआ था, तथा यह हिमालय का प्रारंभिक निर्माण है। हिमालय का निर्माण तो केन्योजोइक कल्प के टर्शियरी काल में हुआ था, जबकि महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था और यह हिमालय का प्रारंभिक निर्माण है। महान हिमालय की पर्वत श्रेणी कौन सी है? जास्कर है। महान हिमालय की पर्वत श्रेणी जास्कर है। और महान हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। महान हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, और ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता और गौरी शंकर कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता और गौरी शंकर कहते हैं, जबकि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से बुलाते हैं? चोमू लोंग नाम से बुलाते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमू लोंग कहते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, और ये सिक्किम में स्थित है। जबकि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू या गोडविन ऑस्टिन, जो कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर हिस्से में है। और इस केटू गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। जबकि यह पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गोडविन ऑस्टिन। फिर आता है दूसरा भाग, लघु या मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 से 4800 मीटर लघु हिमालय की ऊंचाई है। और इस लघु हिमालय का निर्माण जो है अत्यधिक संपीडित और परिवर्तित शैली से हुआ है। संपीडन के कारण और परिवर्तित शैली के कारण लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण जो है लघु हिमालय का मायोसिन से इयोसिन युग में हुआ है। मायोसिन से इयोसिन युग में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। लघु हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, ये पीर पंजाल है पंजाब नहीं, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा और महाभारत श्रेणियां। जबकि महान हिमालय की पर्वत श्रेणी कौन सी थी? जास्कर। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थलों जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी आदि के लिए विख्यात है। ये स्थान कहां पर है? स्थान लघु हिमालय में स्थित है ये पर्यटन स्थल शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी आदि के लिए विख्यात है लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है ये शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। सबसे पहले आता है महान हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद आएगा शिवालिक हिमालय, और लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। फिर आता है कि सूर्य के ताप की उपलब्धता के कारण मध्य हिमालय के पूर्वी ढाल पर स्थायी चरागाह विकसित होता है। सूर्य का ताप उपलब्ध होता है मध्य हिमालय के पूर्वी ढाल पर, इसके कारण मध्य हिमालय के पूर्वी ढाल पर किसका विकास हुआ है? स्थायी चरागाह का विकास हुआ है, जिसे जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या दुआर कहते हैं। याद रखिएगा आप कि सूर्य के ताप की उपलब्धता के कारण मध्य हिमालय के पूर्वी ढाल पर स्थायी चरागाह का विकास हुआ है, जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या दुआर कहते हैं। फिर आता है अपना शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के उपनाम क्या है? निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय। फिर आता है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1500 मीटर। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर। और इसका निर्माण कौन से युग में हुआ है? प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये हिमालय का नवीनतम भाग है शिवालिक हिमालय। शिवालिक
हिमालय जो है ये हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक हिमालय को शिवालिक स्थान देहरादून से शिवालिक कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, शिव की भौहें होती है। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की भौहें। शिवालिक स्थान देहरादून में आता है और यहीं से ये शिवालिक कहलाता है। शिवालिक के दक्षिणी ढाल पर नदियों द्वारा रेत का जमाव किया जाता है। शिवालिक का जो दक्षिणी भाग है वहां पर नदियां बहकर किसका जमाव करती हैं, रेत का जमाव करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, चोस कहते हैं। शिवालिक के दक्षिणी ढाल पर नदियों द्वारा रेत का जमाव किया जाता है, जिसे चोस कहते हैं। और शिवालिक हिमालय के पूर्वी भाग को चूरिया तथा पश्चिमी भाग को मूरिया कहते हैं। कहां पर कहते हैं, मूरिया, पश्चिमी बंगाल में मूरिया कहते हैं। शिवालिक हिमालय के पूर्वी भाग को तो चूरिया कहते हैं, जबकि पश्चिमी बंगाल में इसके पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, मूरिया कहा जाता है। फिर आता है कि शिवालिक हिमालय को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो डूंडवा प्रदेश कहलाता है। शिवालिक हिमालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में डूंडवा प्रदेश कहलाता है। शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच स्थित घाटियां पूर्व में द्वार कहलाती हैं। शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां स्थित हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्व में द्वार कहलाती हैं, जैसे हरिद्वार, राम द्वार, तथा पश्चिम में क्या कहलाती हैं, दून कहलाती हैं, जैसे देहरादून, पाटलिदून, कोटलीदून। याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में जो स्थित घाटियां हैं वो पूर्व में क्या कहलाती हैं, द्वार, जबकि पश्चिम में दून कहलाती हैं। फिर अगला भाग आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय के निर्माण क्रम में शामिल नहीं है, क्योंकि एक ये हिमालय से पहले निर्मित हुआ है, एक पथिरा या अवसादी चट्टानों से निर्मित भाग है। ये ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय से भी पहले निर्मित हुआ है और ये एक पथरीला और अवसादी चट्टानों से निर्मित भाग है, जो कितने भागों में विभाजित है। पहला आता है लद्दाख पठार, जो कि भारत का सर्वोच्च पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सर्वोच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5,400 मीटर। और इस पठार के पास भूतापीय ऊर्जा केंद्र पुंगा घाटी तथा नुब्रा घाटी स्थित है। लद्दाख पठार के पास भूतापीय ऊर्जा केंद्र पुंगा घाटी तथा नुब्रा घाटी स्थित है। फिर दूसरी आती है लद्दाख श्रेणी, जो इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, राका पीरा। लद्दाख श्रेणी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, राका पीरा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,787 मीटर। और ये राका पीरा सर्वोच्च चोटी जो है ये विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। राका पीरा विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। फिर आता है तीसरा भाग ट्रांस हिमालय का काराकोरम श्रेणी। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और इस काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, केटू गोडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि हिमालय में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है केटू गोडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। फिर आता है चौथा भाग इसका, तिब्बत का पठार। ये एक पथरीला चट्टानी पठार है, जो कि चीन में स्थित है। और ट्रांस हिमालय के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, कृष्णागिरी हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के चार भाग हैं, लद्दाख का पठार, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और तिब्बत का पठार। और ट्रांस हिमालय के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, कृष्णागिरी हिमालय कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, तिब्बत में है। और ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में स्थित है। फिर आता है इसका अगला भाग पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय जो है ये शिवालिक हिमालय का विस्तार है। पूर्वी हिमालय किसका विस्तार है, शिवालिक हिमालय का विस्तार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित अधिकतम जैव विविधता के कारण ये विश्व के गर्म स्थल हॉटस्पॉट में सम्मिलित है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए ये पूर्वी हिमालय जो है विश्व के गर्म स्थल अर्थात हॉटस्पॉट में सम्मिलित है। और यह विभिन्न पहाड़ियों के रूप में स्थित है। पूर्वी हिमालय जो है विभिन्न पहाड़ियों के रूप में स्थित है, जैसे डामला, मिहिर, अबीर, मिनी, ब्रूम, पटकोई, ये कहां पर पाई जाती है, ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। डामला, मिहिर, अबीर, मिनी, ब्रूम, पटकोई, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आती है बेरल पहाड़ी, ये असम में पाई जाती है। और यह मेघालय पठार की जयंतिया पहाड़ियों को पूर्वी हिमालय से जोड़ती है। बेरल पहाड़ी जो असम में पाई जाती है ये मेघालय पठार की जयंतिया पहाड़ियों को पूर्वी हिमालय से जोड़ती है। फिर आती है ब्लू माउंटेन पहाड़ी, जो कि मणिपुर में स्थित है। ब्लू माउंटेन पहाड़ी मणिपुर में। फिर आता है नामचा बरवा पर्वत, जो आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचा बरवा जो है यह पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। नामचा बरवा पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। मेघालय पठार की गोरव तथा खासी, यहाँ पे गोरा है, गोरा नहीं, गोरव नहीं है, गोरा तथा खासी
और जयंतिया पहाड़ियां पूर्वी हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि ये पहाड़ियां किसमें सम्मिलित होती हैं? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। फिर आती हैं 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली हिमालय की चोटियां घटते क्रम में कौन सी हैं? इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है आलू प्लस डीएनए। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली हिमालय की चोटियां घटते क्रम में कौन सी है? आलू प्लस डीएनए। आलू का मतलब हो गया मकाड़ू, डी से हो गया धौलागिरी, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है। फिर आता है एन से नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर आती है अन्नपूर्णा, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिमालय की 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियों को घटते क्रम में जमाइए, तो आलू प्लस डीएनए, मकालू प्लस डीएनए, डी से धोलागिरी, जो कि ये दोनों मकालू और धोलागिरी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर। फिर एन से आएगा नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में। फिर आएगा अन्नपूर्णा, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है। फिर अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे नदियों के अनुसार हिमालय का विस्तार कहां तक है, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक, और नदियों के अनुसार हिमालय के चार भाग, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर आएगा सिक्किम हिमालय और असम हिमालय। ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।